नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y72 5G versus OnePlus 9RT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y72 5G में 6.46 इंच जबकि 9RT में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y72 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y72 5G में 2.96 इंच जबकि 9RT में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y72 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y72 5G में 0.33 इंच जबकि 9RT में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y72 5G में 185.5 ग्राम्स जबकि 9RT में 198.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y72 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y72 5G में IPS LCD जबकि 9RT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y72 5G में 6.58 इंचेस जबकि 9RT में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y72 5G में 1080x2408 और 9RT में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y72 5G में 84.59% जबकि 9RT में 87.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y72 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9RT में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y72 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्रिमे कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो मैसेरा देखने को मिलता है। और 9RT की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y72 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9RT की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y72 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 9RT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y72 5G में Adreno 619 जबकि 9RT में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y72 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और 9RT में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Y72 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y72 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y72 5G में अप टू 1TB जबकि 9RT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Y72 5G में 5000mAh जबकि 9RT में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y72 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Nord RT की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y72 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 9 RT की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nord RT आगे है, मेन कैमरा में Nord RT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nord RT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है, दूसरा Oppo A74 5G है, तीसरा Google Pixel 6 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y73 2021 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।